हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के स्टार्टिंग में हम हेलेना नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी बनाई हुई फैंटेसी दुनिया में पड़ी हुई थी। हेलेना के माता पिता फैमिली सर्कस चलाते थे, लेकिन हेलेना को सर्कस में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपना बचपन अच्छे से बिताना चाहती थी। एक दिन सर्कस परफॉर्मेंस से पहले हेलेना और उसकी माँ के बीच में काफी बहस हो जाती है, जिसमें हेलेना अपनी माँ को ही गुस्से में कहती है कि काश तुम इस दुनिया से ही चली जाओ। उसकी माँ काफी दुखी होती है, लेकिन आगे हेलेना की सर्कस में परफॉर्मेंस होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हेलेना एक अच्छी जगलर है। लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में ही हेलेना की माँ अचानक से बेहोश हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें अनजान लेकिन गंभीर बीमारी होने का पता चलता है। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। हेलेना अपने नानी के घर रह रही होती है और वो अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल आती है, और उस दिन के बहस के लिए वो उनसे माफी मांगती है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद वो अपने पापा से मिलने जाती है सर्कस में। वो इन 10 दिनों में उसके माँ से मिलने ही नहीं गए होते हैं, इसलिए हेलेना उन पर काफी गुस्सा होती है। आगे उसके पापा उसे बताते हैं कि उसके माँ का ऑपरेशन काफी जरूरी है और ऑपरेशन आज रात ही होने वाला है, जिसे सुनकर हेलेना काफी घबरा जाती है और रोने लगती है। साथ साथ वो अपनी माँ के हालत के लिए खुद को दोषी समझने लगती है। उसी रात हेलेना अचानक से एक सपने से नींद से उठती है और घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसे 3 सर्कस के परफॉर्मर दिखते हैं। और जब वो लोग अपनी परफॉर्मेंस हेलेना को दिखाने की कोशिश करते हैं, तब अचानक से एक अनजान काला साया वहाँ पे आ जाता है और 3 में से 2 परफॉर्मर्स उसी छाया में समा जाते हैं। लेकिन 3रा परफॉर्मर, जिसका नाम वेलेंटीन होता है, जो कि एक जगलर था, वो हेलेना को एक सुरक्षित कमरे में लेके जाता है, जहाँ पे हेलेना को काफी अजीब जानवर दिखाई देते हैं, जिसका चेहरा इंसानों जैसा होता है, जिसे स्पेनेक्स कहते हैं। अब उससे बचाने के लिए वेलेंटीन हेलेना को कोई भी चीज स्पेनेक्स की तरफ फेंकने के लिए कहता है। वो एक किताब फेंक के मारती है और स्पेनेक्स किताब को खाने लगता है। तब तक उड़ने वाले जादू की किताब के मदद से वेलेंटीन और हेलेना सुरक्षित जगह शहर में पहुंच जाते हैं। हेलेना को पता चलता है कि वो सिटी ऑफ लाइट यानी एक जादुई दुनिया में फंस गई है, लेकिन वो यहाँ कैसे आई उसे कुछ भी पता नहीं था। और सिटी ऑफ लाइट ये धीरे धीरे काले साये में समा रहा था, जिसे वहाँ के लोगों को सिटी ऑफ लाइट को छोड़ के जाना पड़ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि हेलेना को गलती से प्रिंसेस समझकर उसे और वेलेंटिनो को सिटी ऑफ लाइट के प्रेसिडेंट के पास लेके जाया जाता है। हेलेना को ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। आगे हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट दरअसल किसी खोए हुए चार्म के तलाश में है, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये खोया हुआ चार्म कैसे दिखाई देता है। हेलेना को अच्छे से देखने के बाद प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि हेलेना प्रिंसेस नहीं है, बस वो उसके जैसी दिखती है। फिर प्रिंसेस इस जगह की हिस्ट्री बताने लगते हैं। दरअसल यहाँ पे 2 दुनिया है, सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ डार्क। दोनों दुनिया एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं, लेकिन एक दिन सिटी ऑफ डार्क की प्रिंसेस सिटी ऑफ लाइट में घूमने के लिए आई थी और उसी ने इस व्हाइट सिटी का चार्म चुरा लिया था। बिना चार्म के इस शहर की जो क्वीन रहती है, क्वीन ऑफ लाइट, वो पूरी तरीके से कमजोर होने लगी और कोमा में चली गई। और क्वीन ऑफ लाइट ना होने के कारण ही ये शहर यानी कि सिटी ऑफ लाइट, इस पर क्वीन ऑफ शैडो यानी अंधेरा अपना कब्जा कर रहा है। हेलेना देखती है कि क्वीन ऑफ लाइट और प्रेसिडेंट उसके मामा और पापा जैसे दिखते हैं, और फिर खोए हुए चार्म की दुनिया में उनकी मदद करने का वो फैसला करती है। वेलेंटीन और हेलेना खोया हुआ चार्म को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि उन पर क्वीन ऑफ शैडो की नजर है, जो कि हेलेना को अपनी बेटी समझ रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती थी। चार्म को ढूंढने और सिटी ऑफ लाइट के इतिहास के बारे में जानने के लिए हेलेना और वेलेंटीन वहाँ की लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पे उन्हें चार्म को ढूंढने के लिए सुराग मिलता है और साथ में ही एक रियली यूजफुल बुक नाम की किताब मिलती है। सुराग का पीछा करते हुए वो जायंट ऑर्बिटिंग नाम के बिल्डिंग के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हेलेना की मुलाकात एक स्पेनेक्स से होती है, जो हेलेना को एक पहेली सुलझाने को देता है, लेकिन हेलेना उसको बेवकूफ बनाकर वहां से चली जाती है। अंदर उसे 2 से 3 पत्थर के बड़े जायंट्स आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो हेलेना को चार्म का नाम बताते हैं, जो कि मिरर मास्क होता है। और आगे उसे एक चाबी और मिरर मास्क को ढूंढने के सुराग देते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो काला साया वहां पे आता है और जायंट्स को अपने में समा लेता है। लेकिन इस साये से बचते हुए हेलेना और वेलेंटीन मिरर मास्क के बारे में जानने के लिए मास्क की दुकान पर जाते हैं, पर उन्हें वहां पे कुछ भी पता नहीं चलता। वेलेंटीन बताता है कि उस पर एक बहुत ही बड़ा उड़ने वाला टावर है, लेकिन अभी उनके बीच में लड़ाई चल रही है। आगे हेलेना देखती है कि दीवार पर उसके जैसी शक्ल की एक लड़की के पोस्टर है, जिसमें वांटेड लिखा हुआ था। फिर सुराग का पीछा
यात्रा करते हुए दोनों सिटी के सबसे ऊंची जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हेलेना की मुलाकात अजीब से दिखने वाले पंछियों से होती है। हेलेना उनसे मिरर मास के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि वो क्या है और कहाँ है। और तभी उन पर क्वीन ऑफ शैडो द्वारा भेजे गए पंछी हमला कर देते हैं। वो हेलेना को पकड़कर क्वीन ऑफ शैडो के पास लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलेना और वैलेंटीन दोनों ही वहां से बचकर निकलते हैं। हेलेना को पता चल जाता है कि बिल्डिंग के विंडो और जो रियल वर्ल्ड में यानी कि उसकी दुनिया में एक ड्राइंग थी, उसमें विंडोज बना के रखी थी और वो विंडोज ही इस दुनिया में आने का गेटवे था। और बिल्डिंग के विंडोज के द्वारा वो अपने रियल वर्ल्ड में यानी नानी के घर में उसके बेडरूम में देख सकती है। हेलेना देखती है कि उसके जैसे ही दिखने वाली यानी कि उसकी हमशक्ल जो कि एक्चुअल में प्रिंसेस थी जिसने चार्म चुराया था, वो उसके जगह पे यानी उसके दुनिया में पहुंच गई है और बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही थी। वो हेलेना के पापा से लड़ रही होती है और काफी गलत काम कर रही थी, जिसे देखकर हेलेना को काफी गुस्सा आने लगता है। आगे हेलेना की हमशक्ल को भी हेलेना के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो सारी ड्रॉइंग्स को बर्बाद करने लगती है ताकि रियल हेलेना फैंटेसी दुनिया में ही फंसी रहे। लेकिन ऐसा करने के कारण पूरा फैंटेसी वर्ल्ड तबाह होने लगता है। यहाँ पे सुराग का पीछा करते हुए वैलेंटीन और हेलेना दोनों सिटी के बॉर्डर पर पहुंचते हैं। वही हेलेना की मुलाकात उसके माँ से होती है, जहाँ उनके बीच में काफी देर तक बातें होती हैं और हेलेना की माँ उसे सलाह देती है जिससे हेलेना मिरर मास ढूंढ पाए। आगे हेलेना को एक कमरा मिलता है जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लॉक्स मिलते हैं, जिसे एक एक करके वैलेंटीन खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक रियल लाइफ में हेलेना की हमशक्ल के ड्रॉइंग बर्बाद करने की वजह से फैंटेसी वर्ल्ड में भूकंप आने लगता है, जिसे हेलेना को भी काफी चोट लगती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, आगे हम देखते हैं कि वैलेंटीन दरअसल हेलेना को धोखा देता है और हेलेना को क्वीन ऑफ शैडो को दे देता है। इसके बदले में उसे काफी सारे हीरे मिलते हैं। हेलेना के काफी समझाने के बाद भी कि वो उसकी बेटी नहीं है, क्वीन ऑफ शैडो उसकी बात नहीं मानती और उसे ही अपनी बेटी मानने लगती है। फिर आगे क्वीन के कुछ सेवक हेलेना का ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिससे हेलेना भी अभी अपने आप को प्रिंसेस ऑफ शैडो समझने लगती है। लेकिन फिर भी फैंटेसी वर्ल्ड में भूकंप आ रहे थे और ये दुनिया धीरे ही धीरे खत्म होने लगती है, जिसे देखकर हेलेना क्वीन से कहती है कि ये तुम्हारी असली बेटी के वजह से हो रहा है, वो सब कुछ बर्बाद कर रही है और वो इस दुनिया से रियल वर्ल्ड में भाग गई है और मैं अभी यहाँ पे कैद हो गई हूँ, जिसके कारण ये दोनों भी शहर तबाह हो सकते हैं। पर क्वीन हेलेना की बात नहीं मानती, तो यहाँ पे वैलेंटीन को खुद के ऊपर पश्चाताप होने लगता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। इसीलिए वो हेलेन की मदद करने के लिए चार्म ढूंढने की कोशिश करता है। वो हर लॉक को एक एक करके खोलने की कोशिश करता है और कुछ टाइम के बाद उसे सही लॉक मिल जाता है, पर उसमें चार्म की जगह पे सिर्फ एक नोट लिखा होता है जो कि रियल प्रिंसेस शैडो ने ही लिखा होता है। हेलेना की मदद करने के लिए वैलेंटीन क्वीन के महल में वापस चला जाता है और हेलेन से माफी मांगता है। फिर हेलेन को क्वीन से बचाने के लिए बाहर निकालता है। दोनों भी प्रिंसेस के बेडरूम में मिरर मास को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिर में रियली यूजफुल बुक के मदद से उन्हें मिरर मास प्रिंसेस के मिरर में छिपा हुआ मिलता है। दोनों लोग मिरर मास्क लेकर क्वीन के महल से भागते हैं। यहाँ पे मिरर मास्क की मदद से फैंटेसी दुनिया से रियल वर्ल्ड की दुनिया में भी जा सकते हैं। अब भागते समय वैलेंटीन को एक बड़ा सा फ्रूट दिखाई देता है, जिसमें खाने से कोई भी अपना भविष्य देख सकता है। वैलेंटीन इस फ्रूट को खा लेता है, जिसके बाद उसे अपना भविष्य दिखता है, जिसमें अगर उसने मिरर मास्क के इस्तेमाल फैंटेसी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए किया तो वो रियल वर्ल्ड में वेटर बनेगा। ये भविष्य देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्वीन ऑफ शैडो इनके पीछे लगती है, इसलिए दोनों भी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ शैडो उनका पीछा करती है और दोनों को भी रोक लेती है। हेलेन क्वीन से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्वीन को अपने बेटी को आजाद करके उसे अपनी खुद की जिंदगी देनी चाहिए, यहाँ पे वो मानो कैद हो चुकी है। लेकिन ये सुनकर क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देती है। वहां से बचने के लिए वैलेंटीन अपने फ्लाइंग टावर को बुलाता है। उसके बाद दोनों भी टावर की मदद से बच के भाग निकलते हैं। हेलेन को अब पता चल जाता है कि उसकी हमशक्ल जो कि उसकी जगह पे रियल जिंदगी में है, वो ही दरअसल प्रिंसेस ऑफ शैडो है, जो मिरर मास्क का इस्तेमाल करके हेलेन के ड्राइंग द्वारा रियल वर्ल्ड में वो चली गई है। अब हेलेन समझ जाती है कि उसे रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उस विंडो और मिरर मास्क का इस्तेमाल करके जाना होगा। हेलेना एक विंडो ढूंढ लेती है और रियल वर्ल्ड में जाने के लिए वैलेंटीन
क्रिस्टीन से मिरर मास्क मांगती है। थोड़े समय सोचने के बाद वो उसे मास्क दे देता है, लेकिन तब तक रियल वर्ल्ड में प्रिंसेस सारी ड्रॉइंग्स बर्बाद कर देती है, जिससे अब हेलेन रियल दुनिया में कभी भी आ नहीं सकती। अब सारी ड्रॉइंग बर्बाद होने के बाद हेलेना और वेलेंटीन दोनों तबाह होते हुए फैंटेसी वर्ल्ड में फंस जाते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस उन ड्रॉइंग्स को फाड़ के फेंकने के लिए छत पर जाती है और खुश हो जाती है कि वो अब आजाद है, पर उसे वहाँ पे एक विंडो की ड्रॉइंग दिखाई देती है जिसे हेलेना ने नए दरवाजे पर बनाया था, जिसकी मदद से हेलेना अब रियल वर्ल्ड में मिरर मास्क का इस्तेमाल करके चली जाती है और प्रिंसेस को उसके खुद के फैंटेसी वर्ल्ड में भेज देती है। प्रिंसेस को उसके अपने वर्ल्ड में भेजने की वजह से क्वीन ऑफ लाइट भी अब सही होकर उठ जाती है और दोनों सिटी यानी सिटी ऑफ शैडो और सिटी ऑफ लाइट का बैलेंस लौट आता है और देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हेलेना छत पर सो रही होती है और उसके पापा उसे जगाते हैं। हेलेना को पता चलता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन सफल हो चुका है। फिर हेलेना काफी खुश होकर सर्कस में वापस आ जाती है और सर्कस को चलाने में मदद करती है, क्योंकि उसे इस पूरे किस्से से पता चल गया था कि यही उसकी असली दुनिया है। कुछ समय के बाद हेलेना की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि दिखने के लिए वेलेंटीन जैसा था और वो जगलर बन के सर्कस में काम करने लगा और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।